थ्री पोर्शन, ब्रांड के कितने पोर्शन बताएंगे, थ्री पोर्शन, इसको हमने थ्री पोर्शन में डिवाइड किया, पहले को बोलेंगे हम फोर ब्रांड, फिर सेकेंड को हम क्या बोलेंगे मिड ब्रांड, और थर्ड को हम क्या बोलेंगे हिंड ब्रांड। अब फोर ब्रांड में भी थ्री पोर्शन होते हैं आपके, कौन कौन से, इसको हम बोलते हैं आपका सेरिबेलम या सेरिब्रम, और दूसरा पोर्शन होता है आपका थैलेमस, और तीसरा पोर्शन होता है आपका हाइपोथैलेमस, है ना, हाइपोथैलेमस। अब हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस की, बिकॉज अगर हम हाइपोथैलेमस की बात करें तो इसको हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी, और मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी क्या है आपका पिट्यूटरी, और इसका भी मास्टर क्या है आपका हाइपोथैलेमस, मतलब हाइपोथैलेमस आल्सो नोन एज द मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी, क्योंकि ये क्या करता है, ये हॉर्मोन्स निकालता है, बहुत सारे हॉर्मोन्स निकालता है, और उन हॉर्मोन्स को अपन क्या बोलते हैं हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स, उन्हीं हॉर्मोन्स को अपन ने क्या बोला भाई हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स। अब ये हॉर्मोन्स करते क्या है, हमारी बॉडी में जितने भी चेंजेस आती हैं तो इन्हीं की वजह से आती हैं, क्योंकि ये एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं और इन्हीं की वजह से हमारी बॉडी में चेंजेस आती हैं। जैसे अगर हम बात करें सपोज दैट क्या हो गया मोटिवेशन, है ना, मोटिवेशन। दूसरी बात ये कि हमको प्यास लग रही है मतलब ड्रिंकिंग, या फिर हमको भूख लग रही है मतलब ईटिंग, या फिर अगर हम बात करें सेक्सुअल बिहेवियर, तो जो सेक्सुअल बिहेवियर रहता है ना, फियर, हमको डर लग रहा है, तो जितनी भी कंट्रोल्स या इमोशनल या फिर एंजाइटी, जितनी भी आपकी फीलिंग्स होती हैं, तो इसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है हाइपोथैलेमस। अगर हम हाइपोथैलेमस की बात करें तो इसको एक बेस्ट एग्जाम्पल से बताने की कोशिश करेंगे कि सपोज दैट हमने क्या हुआ कि हमारा किसी, सपोज दैट ये है, अगर ये कोई मेल है ना, इसका मेल का नाम क्या हो गया भाई, ये टिंकू है अपना, ना इसका नाम क्या हो गया टिंकू हो गया, है ना, ये फीमेल है, समझ रहा हूँ, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको समझने की कोशिश करते हैं, ये टिंकी है। तो अगर हम बात करें टिंकू की, तो टिंकू ने जैसे टिंकू टिंकी को देखा तो इसके लिए फीलिंग्स आई, तो फीलिंग्स अपने आप की होती है, क्या हुआ कि जब इसका हाइपोथैलेमस क्या करेगा, यहाँ पर हॉर्मोन्स निकलता है, और एक हॉर्मोन्स निकलता है उसी को अपन क्या बोलते हैं ऑक्सीटोसिन, और ऑक्सीटोसिन को अपन क्या बोलते हैं लव हॉर्मोन्स, इसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा लव हॉर्मोन्स, मतलब ये क्या करता है हमारे को फीलिंग्स लाता है भाई, लव तो तरह का हो सकता है, हम अपने माँ बाप से प्यार करते वो भी एक तरह का लव है, हम अपने छोटे बच्चों से प्यार करते वो भी एक तरह का लव है, या फिर हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वो भी एक तरह का लव, या हस्बैंड वाइफ, ये लव तो तरह तरह के हो सकते हैं, हम किसी से भी प्यार कर सकते हैं, मतलब ये लव हॉर्मोन्स हमारी बॉडी में जब भी निकलेगा तो हमारी बेस्ट फीलिंग होगी, मतलब हमको एक गुड फील होगा, अच्छा अनुभव होगा, क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी से ये हॉर्मोन्स निकला है ना। अब हम बात करते हैं कि सपोज दैट इसको किसी लड़की के लिए फीलिंग्स आए, इसको टिंकू को, तो टिंकू जाएगा लड़की के पास और इसने बोलेगा चलो आज हम 5 बजे मिलते हैं, इसने बोल दिया, मतलब टिंकू देने का टाइम है 5 कब बजे, मतलब इनके अंदर लव हॉर्मोन्स ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा अमाउंट में निकल रहा है, मतलब निकलेगा कौन निकलवाता है आपका हाइपोथैलेमस, मतलब लव हॉर्मोन्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में सीक्रेशन होता है। अब देखो ये तो निकलता है और लेकिन हमको निकलवा के चला भी जाता है, मतलब ये हमको फंसा के चला जाएगा, कैसे, क्यों, अब जैसे दोनों कहीं रेस्टोरेंट गए, दोनों बैठे हुए थे वहाँ पर, है ना, अब दोनों बैठे हुए थे, अब जैसे ही ये बैठे हुए तो पीछे से लड़की का क्या गया, या तो पेरेंट्स आ गए, पेरेंट्स में या तो इसके फादर आ गए या इसके ब्रदर आ गए, भाई आ गए, अब जैसे ही भाई आ गया तो यहाँ पर लव हॉर्मोन्स तो निकल के चल गया और हमको फंसा गया, मतलब ये लव हॉर्मोन्स मैंने कहा था ये हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स होते हैं और ये हमारी फीलिंग्स को क्या करते हैं, तो जैसे ही लड़की के भाई को देखा तो हमारे अंदर क्या रहेगा, 3 कंडीशन आने वाले अंदर, या तो एक एफ एफ एफ, एक को बोलते हैं हम फियर, एक को हम क्या बोलते हैं फाइट, और दूसरे को हम क्या बोलते हैं फ्लाइट, या इसी को हम बोलते हैं सिंपल हेल्प हॉर्मोन, है ना, इसी को हम बोलते हैं इमरजेंसी हॉर्मोन्स, इन्हीं को हमने क्या बोला इमरजेंसी हॉर्मोन्स। अच्छा इमरजेंसी हॉर्मोन्स वह हॉर्मोन्स होते हैं जो इमरजेंसी सिचुएशन पर निकलते हैं, इमरजेंसी हॉर्मोन्स आर दीज हॉर्मोन्स विच आर सीक्रेट इन इमरजेंसी कंडीशन इन आर बॉडी। तो हुआ क्या, अब देखो इस तीनों कंडीशन तो अप्लाई करेंगे, जब लड़का ने और लड़की दोनों बैठे हुए थे और इसके भाई को देखा तो पहली बात तो क्या करेगा वो, उसको डर लगेगा, मतलब उसमें फियर कंडीशन में, क्योंकि ऑक्सीटोसिन तो निकला था भाई, दोनों यहाँ पर बैठे हुए थे माहौल बना रहे थे, और जैसे यहाँ पर जो लव हॉर्मोन्स निकला और उसके बाद जैसे इसका भाई आ गया तो यहाँ पर आपका ये लव हॉर्मोन्स बस निकलना बंद हो गया, और जैसे ही बंद हुआ तो आपको उससे हॉर्मोन्स निकले इमरजेंसी हॉर्मोन, इसी का नाम होता है एड्रेनलिन, क्या होता है एड्रेनलिन, मतलब ये हॉर्मोन्स निकलना स्टार्ट हुआ तो ये क्या करेगा हमारे अंदर चेंजेस लाएगा, हमारी हार्ट बीट को बढ़ा देगा, है ना, जब भी हम देखा तो हमारे अंदर जो आपका हार्ट बीट रहता है 70 टाइम पर मिनट बीट करेगा,
लेकिन जैसे इस लड़की के भाई ने आज के पेरेंट्स को देखा तो पता चला 80 टाइम ट्वीट कर रहा है ना, और ऐसा लगा कि भाई जंप ना कर दे बाहर से। तो क्या मतलब कि जो आपका फियर कंडीशन, मतलब ये लड़की को डर लगेगा मतलब फियर। दूसरा अब यहाँ अगर लड़का अच्छा ताकतवर है तो वो तो फाइट करेगा भाई, लड़ भी जाएगा, अगर नहीं है तो उसको भागना तो ही फ्लाइट कर जाएगा है ना, वहां से भाग जाएगा। मतलब ये ऑक्सीटोसिन जब निकला था तो हमको अच्छी फीलिंग्स आ रही थी, और जैसे ही पेरेंट्स को देखा तो हमारी फीलिंग्स सब क्या हो गई भाई, किसकी वजह से, अब ये हॉर्मोन्स निकल गया एड्रेनल। अब जैसे ही एड्रेनल हॉर्मोन्स निकला तो ये निकलता कहाँ से, जैसे अगर हम बात करें कि सपोज दैट किडनी है ना, किडनी तो समझते हो किडनी किडनी की होती दो होती है, अगर हम बात करें ये क्या है आपकी किडनी है ना, ये किडनी कप क्यों रहा है, हां ये किडनी है, तो यहां से क्या निकलता है आपका, ये आपका किडनी होता है, ये यूरेटर होता है, यहाँ पर यूरिन ब्लैडर होता है, यूरेथ्रा होता है। तो यहाँ पर एक ग्लैंड रहती है, इसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड, यहाँ पर इसका नाम क्या होता है आपका एड्रिनल ग्लैंड, और इसी ग्लैंड से निकलता है आपका ये हॉर्मोन्स, इसका नाम क्या है एड्रिनल। तो ये हॉर्मोन्स तब निकला जब इमरजेंसी सिचुएशन आई, जैसे कि सपोज हम जा रहे थे रास्ते में अचानक से हमको स्नैक मिल गया तो भी हमारा हार्ट बीट बढ़ जाता है, या फिर हम रास्ते में जा रहे थे अचानक से हमारे सामने किसी का एक्सीडेंट हो गया तो भी हमारा हार्ट बीट बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से, इस हॉर्मोन्स की वजह से, या फिर हमने जंगल में अचानक से शेर को देख लिया तो भी हमारा हार्ट बीट बढ़ जाएगा, इस वजह से, इसकी वजह से। तो ये क्या करता है, हमारी हार्ट बीट को इंक्रीज कर देता है ये हॉर्मोन्स है ना, और लव हॉर्मोन्स। अच्छा ये सारे हॉर्मोन्स निकलवा कौन रहा, हाइपोथैलेमस। तो मतलब हम कहते हैं कि हमारी किसी के लिए फीलिंग्स आती हैं तो वो कुछ टाइम के लिए होती है, फिर उसके बाद देखना एक टाइम रहता है, उसके बाद जैसे कि अभी डे आएगी वैलेंटाइन डे, रोज डे है ना, ये डे जितने भी डे आते हैं तो इनका एक टाइम ड्यूरेशन रहता है। आपको अच्छी फीलिंग्स आती है तब, तब जब आपके अंदर से हाइपोथैलेमस निकलेगा, और जैसे कि हमने आपको मोटिवेशन कर दिया तो आप दो दिन तो एक दिन तो अच्छा मोटिवेट रहोगे, नहीं सर हमने बोल दिया कि आपको 90% कराना है तो आप बहुत, नहीं सर ने कहा कि 90% तो बहुत मेहनत करोगे, बस दो दिन बाद ये हार्मोन्स गायब तो आपकी जो इमोशन थी वो भी क्या करेगी भाई, गायब हो जाएगा। अब दूसरी बात ये आती है कि सर एंजाइटी, मतलब ये सपोज किसी को चिंता हो जाती है तो चिंता के टाइम ऐसे कैसे काम करता है। अब क्या हुआ कि जब किसी के यहाँ पर किसी की डेथ हो जाती है तो उस टाइम अपन रोने लगते हैं, तो इसके लिए ये भी रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि उसको पता है जैसे हम वहाँ पर गए तो हमारे ब्रेन ने देखा, हमारे ब्रेन ने मैसेज किया यहाँ पर तो रोने वाला माहौल है, तो ये मैसेज करेगा कि इसको हाइपोथैलेमस को, बोलेगा क्या करना है, रोना है कि नहीं, बोले हाँ रोना तो है, यहाँ पर माहौल वैसे ही बना है। तो ये हाइपोथैलेमस क्या रहेगा कि यहाँ पर आपकी आई होती है, ये आई होती है ना, और आई में ग्लैंड होती है, ये आई होती है, तो आई में ग्लैंड होती है, इसका नाम होता है यहाँ पर होती है, इसका नाम क्या होता है लैक्राइवल ग्लैंड, और लैक्राइवल ग्लैंड से एक हॉर्मोन्स निकलता है, लैक्राइवल ग्लैंड से जो फ्लूइड निकला उसी को अपन क्या बोलते हैं, टीयर बोलते हैं, ऐसी को अपन ने क्या था, आंसू कहा। तो हाइपोथैलेमस ने क्या किया, इसको स्टिमुलेट किया लैक्राइवल ग्लैंड को, और लैक्राइवल ग्लैंड से जो भी फ्लूइड निकलेगा वही क्या हमारे आंसू में, मतलब ये डिपेंड करता है। दूसरी बात ये कि ड्रिंकिंग, सपोज दैट हमको प्यास लगी है तो प्यास मतलब ड्रिंकिंग लगी है तो जैसे ही ड्रिंकिंग हमको पानी पीना लगेगा तो हाइपोथैलेमस हॉर्मोन्स निकालेगा, और हाइपोथैलेमस हॉर्मोन्स निकाल के किसको मैसेज करेगा, अपने माउथ को। तो जैसे ही आपको पानी आएगा तो आप माउथ से पियोगे है ना, अब माउथ ही अगर ना पोले तो कहाँ से पानी पिएगी। फिर दूसरी बात है कि अगर आपको भूख लगती है तो भूख पता है कैसे लगती है, इसका रीज़न देखते हैं। अगर हम बात करें सपोज है ना आपको भूख लगती है तो भूख का भी रीज़न देखते हैं, जैसे क्या होगा कि यहाँ पर ये आपका ये लाइफ होता है, यहाँ पर लिवर होता है, और यहाँ पर क्या होता है आपका स्टमक है ना। तो हुआ क्या कि जब हमने भोजन खाया तो 4 से 5 घंटे आपका भोजन यहाँ पर स्टोर रहता है, अब इसके बाद 4 to 5 आवर में ये जो भोजन है डाइजेस्ट हो गया तो हमको फिर से भूख लगती है, तो यहाँ पर रिसेप्टर होते हैं, और जैसे ही आपका पेट खाली हो तो रिसेप्टर जाएगी कहाँ पर, ब्रेन के पास, और ब्रेन के पास कहाँ पर हाइपोथैलेमस, उससे बोलेंगे कि हमको पेट खाली हो गया है, तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा आपको भूख करवाएगा, मतलब एक भूख लगेगी और आपको मन करेगा हमको कुछ खाना है। या फिर अगर पिक्चुरेशन की बात करें इसका भी एक करें तो यहाँ पर क्या होता है, और यूटर के बाद क्या होता है आपका यूरिन,
कि ये यूरिनरी ब्लैडर ये पूरा फिल हो चुका है और सर से कुछ वॉशरूम जाना है, इसको बाहर करना है। तो मतलब जैसे ही फिल होता है तो हमारे अंदर फीलिंग्स आती है सर से, जैसे समझ रहे क्लास बैठे तो आपके अंदर फीलिंग्स आई कि हमको वॉशरूम जाना है और मैंने इनको दिया नहीं अभी बैठो, मना कर दिया। तो ये फिर मैसेज लेके जाएगा और बोलेंगे यार रास्ता तो मना कर रहे हैं, तो बोलेगा ठीक है थोड़ा सा वेट करो, ओके कोई बात नहीं। तो ये बैठ जाएगा, ये यूरिनरी सब फिर से बहुत भर गया। अब इसके बाद ये स्पीकर फिर से मैसेज लेके जाएगा तो बोले क्या करूँ, फिर से पूछूँ क्या? तो बोले हाँ पूछो, ब्रेन की बातें चलती हैं क्या निकल गई भैया आपसे? तो ब्रेन क्या करें भाई, फिर से पूछा कि रास्ता क्या, वॉशरूम क्या होता है, मैं वॉशरूम। तो मैंने बोले कि नहीं अभी नहीं, 10 मिनट बाद जाना। अब इसके बाद ये पूरा भर गया। अब इसके बाद ये मैसेज किया तो सर ने फिर से मना कर दिया। तो ये बोलेगा कि ठीक है 5 मिनट का वेट करते हैं, अगर सर ने बोल दिया तो ठीक है, और नहीं बोले तो मैं स्पीकर बोल दिया खुल जाएगी यहीं पर कर लेगा। क्या हुआ, आपने फिर से बोला और मैंने कहा भाई 5 मिनट रुक जाओ और मैंने मना कर दिया। और उसके बाद ये ब्रेन ने कहा कि हम तो मतलब ये पूरा, तो इसके बाद क्या होगा, इसमें चल खुल गया और यहाँ से यूरिनेशन हो गया। तो ये कंडीशन होती है यूरिनेशन। तो देखो जितने भी हॉर्मोन्स हैं तो सबको कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा भाई, हाइपोथैलेमस। तो मतलब क्या होगा कि जब हम इस एज में आते हैं, टीनएजर्स में आते हैं या प्यूबर्टी एज में आते हैं, तो हमारे अंदर क्या होती है बहुत सारी चेंजेस आती हैं। मतलब अगर हम लड़कियों की बात करें या फीमेल की बात करें तो इनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल का आकार होना, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना या हेयर का डेवलपमेंट होना, या लड़कों की बात करें तो दाढ़ी उछलाना, आवाज भारी पर आना, है ना। तो ये जितने भी चेंजेस आते हैं तो हमारे अंदर कौन कराता है भाई, हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस मेन की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारा अंतर का एस्ट्रोजन है ना। अगर हम फीमेल की बात, सॉरी मेल के अंदर कैसा आपका टेस्टोस्टेरोन, और अगर हम फीमेल की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एस्ट्रोजन, या फिर यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन को हम क्या बोलते हैं भाई, प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से जानते हैं। तो हमारे अंदर जितने भी चेंजेस आते हैं तो अंतर आता आपका हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस की क्या करता है आपका मास्टर ऑफ द मास्टर लेवल पर बोलो। तो हमारे अंदर जितनी भी फीलिंग्स आती है जो भी हम सोचते हैं तो ये स्वभाव एक मतलब नेचुरली है। जैसे कि हम क्या होता है किस एज में आते हैं तो थोड़ा सा चिड़चिड़ापन होते हैं भाई, जब छोटे थे अगर मम्मी पापा डांटते थे हम कुछ नहीं बोलते, लेकिन आज हम जवाब देते क्यों, तो आपकी गलती नहीं है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, हाइपोथैलेमस। तो हमको क्या करना, अच्छा हाइपोथैलेमस जब हम क्या करते हैं इस एज में आते हैं तो दो वे होते हैं, एक तो पॉजिटिव वे और एक नेगेटिव वे होता है। तो पॉजिटिव वे मतलब हमारी बॉडी से पॉजिटिव हॉर्मोन्स निकलेंगे और नेगेटिव वे मतलब हमारे नेगेटिव हॉर्मोन्स निकलेंगे। तो पॉजिटिव वे वायरल जैसे सपोज देन आपको याद करने का साफ प्रॉपर उसको याद करोगे, अच्छी चीज़ों में मन लगाओगे तो ये पॉजिटिव वे। और हॉर्मोन्स दो तरह के निकलते हैं, नेगेटिव वे मतलब हम गंदी चीज़ों को देखते हैं या फिर गंदी चीज़ों की तरफ जाते हैं तो बुरी संगति में फंस जाते हैं, नशा करने लगते हैं, एल्कोहल पीने लगते हैं, शराब पीने लगते हैं। तो ये भी किसका है, कि जो भी हमारे अंदर इस एज में चेंजेस आती हैं, जो भी हम चेंजेस लाते हैं तो ये किसकी वजह से, हाइपोथैलेमस। तो सबसे जरूरी है इसको कंट्रोल करना। और इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, हम अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करके। और हमने इसको कंट्रोल कर लिया मतलब कि अभी आपका 11th month है, 2 वर्ष अच्छा मेहनत करो इसके बाद तो बहुत अच्छा रहेगा। मतलब 2-3 अभी आपका जो एज रहेगा तो इसी एज में प्रॉब्लम रहेगी, मतलब आपका 15 से 25 साल इस एज में बहुत प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि इस एज में आपका हाइपोथैलेमस आपके कंट्रोल में नहीं रहता है। ये जिसको भी देखा तो उसी तरह फंस